नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह को आयुर्वेदिक ट्रिक से कैसे कंट्रोल किया जा सके, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आजकल के लाइफ में डायबिटीज एक कॉमन हेल्थ इशू बन गया है, लेकिन आयुर्वेद के कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद में डायबिटीज का क्या रोल है। तो आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे के कारण को शुक्र दोष और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम अपने आहार और व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं तो हम डायबिटीज को ठीक करने या फिर मैनेज करने में काफी हद तक सफल रह सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। सबसे पहला टिप्स है नीम और करेले के रस का उपयोग। नीम और करेला में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हर सुबह खाली पेट नीम और करेले के जूस का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। अगला है मेथी दाने का इस्तेमाल। मेथी दाना को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को पी सकते हैं। मेथी में सोलुबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इंसुलिन को रेगुलेट करने में मदद करता है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद है मेथी दाना। अगर आपको डायबिटीज है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद अगला है त्रिफला पाउडर का प्रयोग। त्रिफला पाउडर लिवर और पेनक्रियास की हेल्थ को बढ़ावा देता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। रात में सोने से पहले थोड़ा त्रिफला पाउडर पानी में मिला करके आप ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर दूध पीते हैं दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, लिवर सही रहेगा, लिवर हेल्दी बनेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी और आपके डायबिटीज कंट्रोल होने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो आप त्रिफला चूर्ण का सेवन जरूर करें। इसके बाद अगला है गुड़मार का प्रयोग। गुड़मार एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे सुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्ब ब्लड सुगर लेवल को बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और क्रेविंग को कंट्रोल रखने में मदद करता है, इसीलिए गुड़मार का भी सेवन करें। इससे बहुत सारी दवाइयां औषधियां बनकर के सभी ब्रांड में अवेलेबल हैं। इसके बाद अगला है आंवला का महत्व। अगर हम डायबिटीज में बात करें तो आंवला यानी इंडियन गूजबेरी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। ये पेनक्रियास की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ाने का काम करता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उससे अगला है तुलसी और दालचीनी का काढ़ा। तुलसी और दालचीनी के पानी का काढ़ा भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगला है योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी होते हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, इससे बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और सावधानियों के बारे में। एक्चुअली आयुर्वेदिक उपाय के साथ आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने की जरूरत होती है, तभी जाकर के ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, जिसमें है प्रोसेस्ड और सुगरी फूड से दूरी बनाए रखना। इसके अलावा डेली वॉक या एक्सरसाइज जरूर करना। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना बेहद जरूरी है और सही डाइट का प्लान बनाए रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, सावधानियां रखते हैं, इन टिप्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी भी दवा को लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परफेक्टली रह सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।